फ्रेंड्स, हेलो आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियर अरमान फैजी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया आउटपुट डिवाइस के बारे में। मैं इसी तरह छोटे छोटे वीडियो लेके आपके पास आता रहूँगा। आपको बस मेरा वीडियो को पूरा देखना है और इसको ज़रूरत पड़े तो आप पेन पेपर लेके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नोट डाउन करने से आपको होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी कोई डाउट्स रह जाते तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें, मैं आपसे फिर कनेक्ट होऊंगा। फिर एक बार, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस, संचित युक्ति। स्टोरेज के नाम से ही क्लियर है कि जो चीज़ जिससे किसी चीज़ का स्टोर करने का डिवाइस होगा। कंप्यूटर में अस्थायी तौर पर बहुत अधिक मात्रा में आंकड़ों को संचित करने की अनुमति प्रदान करता है, जैसे डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं हम लोग, उसी को। तो हार्ड डिस्क जो होता है उसमें हम वो डिवाइस है। अभी सबसे पहले हम सीडी रोम के बारे में जानते हैं। सीडी रोम, सी फॉर कॉम्पैक्ट, डी फॉर डिस्क, आर ओ एम, रीड ओनली मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क। ये जो गोल वाला है ये ऑप्टिकल डिस्क है। Have a very large storage density and the access time is relatively low. Most commonly of aluminium and plastic. In this data is stored for a long time duration. Only 1.2 mm thick. A CD-ROM is tough. CD-ROM भी दो तरह का होता है, एक CD-R होता है। R means recordable. ए सी डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इज ए वेरिएशन ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क इन्वेंटेड बाई फिलिप्स एंड सोनी। सी डी आर इज ए राइट वंस रीड मेनी वार्म ऑप्टिकल मीडियम, ऑल दो द होल डिस्क डज नॉट हैव टू इंटायरली रिटेन इन द सेम सेशन। इस तरह की डिस्क में 650 MB की सूचना या 74 मिनट की अवधि की ऑडियो वीडियो फाइल संचित कर सकते हैं, परंतु वर्तमान में उपलब्ध डिस्क में 700 MB का डेटा या 80 मिनट की अवधि की ऑडियो वीडियो फाइल संचित कर सकते हैं। इस तरह की खाली डिस्क में केवल एक बार ही डेटा संचित किया जा सकता है। ध्यान रहे कि इस प्रकार के डिस्क में संचित डेटा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और एक बार लिखने के बाद उस पर पुनः नहीं लिखा जा सकता है। दूसरा है CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इज ए रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क। It was introduced in 1997 and was known as CD writable during the development. CDRW का अर्थ है रीराइट, अर्थात डिस्क में डेटा को संचित करके, डिलीट करके या फिर नया डेटा संचित किया जा सकता है। यह भी डिस्क CDR की तरह दोनों साइज में उपलब्ध है। इस प्रकार के डिस्क को बार बार लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जब पेन ड्राइव नहीं था, पेन ड्राइव जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था तो लोग CDRW का ही इस्तेमाल करते थे। एक बार लाए और उसमें फिर एडिट किए, फिर उसके बाद दोबारा डाटा डाल दिए। लेकिन जब से पेन ड्राइव आ गया, इस तरह का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो रहा है। ब्लू रे डिस्क, जिसे ब्लू रे या BD के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्राथमिक रूप से हाई रिजोल्यूशन वीडियो एवं पिक्चर्स तथा विस्तृत डेटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्लू रे डिस्क DVD से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। ब्लू रे डिस्क 50 GB डेटा तक स्टोर कर सकता है। DVD, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। समटाइम्स एक्सप्लेन्ड एज डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इट इज ए डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड बाय फिलिप्स, सोनी, तोशिबा एंड पैनासोनिक इन 1995। DVD offer higher storage capacity than compact disc while having the same dimension. एक उतना ही डायमेंशन में ये हाई कैपेसिटी का स्टोरेज फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। CD drive या DVD drive. CD drive can read only data stored on CD, but DVD drive can read बोथ डाटा स्टोर्ड ऑन DVD एंड CD। मतलब DVD ड्राइव में दोनों डाटा हम रीड कर सकते हैं, CD ड्राइव में सिर्फ CD
को ही रीड कर सकते हैं। कॉम्बो ड्राइव, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। द कॉम्बो ड्राइव कैन बी यूज टू रीड बोथ सीडी एंड डीवीडी। कॉम्बो ड्राइव के द्वारा सीडी एंड डीवीडी दोनों पर संचित डेटा को पढ़ा जा सकता है, इसीलिए केवल सीडी पर डेटा संचित किया जा सकता है। ये है राइटर। सीडी राइटर के द्वारा केवल सीडी तथा डीवीडी राइटर के द्वारा सीडी व डीवीडी दोनों पर डेटा संचित किया जा सकता है। साथ ही सीडी राइटर के द्वारा केवल सीडी तथा डीवीडी राइटर के द्वारा सीडी दोनों पर डेटा को पढ़ा भी जा सकता है। मीन्स अगर सीडी राइटर है तो उसमें सिर्फ सीडी राइटर का ही डेटा पढ़ भी सकते हैं और संचित भी कर सकते हैं, और डीवीडी राइटर है तो डीवीडी में संचित डेटा भी पढ़ भी सकते हैं, संचित भी कर सकते हैं, और सीडी में भी डेटा को पढ़ सकते हैं और संचित भी कर सकते हैं। ये एक नया एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। वाई हार्ड डिस्क? द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हैव ए कैपेबिलिटी टू स्टोर हेवी डेटा विथ हाई स्पीड। इट इज मच बेटर देन फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये हार्ड डिस्क है, सब लोगों ने इसको देख लें। ये इसका काम भी फ्लॉपी जैसा ही है, फ्लॉपी के जैसा है, लेकिन ये हाई स्पीड में डेटा और हेवी डेटा स्टोर करने का फैसिलिटी है इसमें। फ्लैश ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव ऑल्सो नोन एज पेन डेट वाई इट इज कॉल्ड पेन ड्राइव। विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव वी कैन ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इसका आकार लगभग पेन की तरह होता है, फ्लॉपी की तरह। इस पर फाइलें एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में कॉपी किया जाता है। इसे यूएसबी पोर्ट के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ये दोस्तों, ये पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सभी हमारा जो है स्टोरेज डिवाइस है। तो स्टोरेज डिवाइस वैसा डिवाइस जिसमें हम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करते हैं, उस डिवाइस को स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा समझाने का ये तरीका पसंद आया होगा। अगर नहीं आया तो इसको दोबारा देखें, आप पूरा वीडियो को देखें। आधा वीडियो देख के नहीं समझ सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं कोशिश किया हूँ आपको समझाने की। धन्यवाद, आपको अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ।